दोस्तों, क्या आपको पता है नेपच्यून ग्रह का एक चंद्रमा धीरे धीरे इसके नज़दीक आता जा रहा है और जब यह चंद्रमा नष्ट होगा तब यह नेपच्यून के रिंग्स का रूप ले लेगा। और क्या आप जानते हैं हमारे सौरमंडल के सबसे बड़े चंद्रमा यानी गैनीमेड का एटमॉस्फेयर एक इंडियन ऑब्जर्वेटरी से डिस्कवर किया गया था। दोस्तों, इस वीडियो के बिल्कुल अंत तक जरूर बने रहिए क्योंकि यहाँ पर हम अंतरिक्ष के दुनिया से जुड़े ऐसे ही रोचक और मज़ेदार फैक्ट्स को जानने वाले हैं। हमारे पड़ोसी ग्रह मंगल पर अब तक कई सारे ऑर्बिटर्स मिशन भेजे जा चुके हैं और ये ऑर्बिटर्स हमें मंगल ग्रह की कई सारी तस्वीरें भेज चुके हैं। ऐसे ही कुछ इमेजेस ये हैं जिन्हें हम यहाँ पर देख सकते हैं। इनमें आपको क्या खास लग रहा है? वास्तव में इन इमेजेस में हमें मंगल ग्रह के सतह पर कुछ खास आकृतियाँ दिखने को मिल रही हैं। ये आकृतियाँ और कुछ नहीं बल्कि सालों पहले जो मंगल ग्रह पर नदियाँ बहती थी उनके निशान है। जी हाँ, आज से कई साल पहले मंगल ग्रह पर तरल रूप से पानी मौजूद था। जैसे आज हमारे धरती पर नदियाँ बहती हैं, वैसे ही नदियाँ मंगल ग्रह पर भी बहती थी और ये उन्हीं नदियों के निशान है। दोस्तों, आपको तो ये पता ही होगा कि हर साल स्पेस में करीब 100 से ज़्यादा आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स भेजे जाते हैं। आज के समय में बहुत सारे सैटेलाइट्स पृथ्वी का चक्कर लगा रहे हैं। आमतौर पर जब भी कोई सैटेलाइट भेजा जाता है तो उसका नाम किसी महापुरुष के नाम पर रखा जाता है, जैसा कि हमारे देश का पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया था। लेकिन क्या आपको एक बात पता है? पृथ्वी के चक्कर लगा रहे हैं सैटेलाइट्स में से दो सैटेलाइट ऐसे भी हैं जिनके नाम किसी महापुरुष के नाम पर नहीं बल्कि दो कार्टून कैरेक्टर्स टॉम एंड जेरी के नाम पर रखा गया है। जी हाँ भाई, टॉम एंड जेरी, जिन्हें हम और आप बचपन से ही टीवी पर देखा करते थे, ये दोनों सैटेलाइट्स नासा द्वारा भेजे गए हैं। क्या आपको पता है कि चंद्रमा और पृथ्वी के बीच सटीक दूरी मापने के लिए चंद्रमा पर कुछ खास डिवाइसेस छोड़े गए थे? यह एक प्रकार के मिरर है जो लेजर लाइट्स को रिफ्लेक्ट करते हैं। इनको अपोलो 11 मिशन के दौरान चांद पर छोड़ा गया था ताकि ये लेजर लाइट्स को रिफ्लेक्ट कर सके, ताकि जब दोबारा लेजर लाइट्स धरती पर वापस आए तो उसके द्वारा लिए गए टोटल टाइम्स को हम धरती और चांद के बीच की दूरी का सटीक अंदाजा लगा सके। इस लेजर मेजरमेंट के जरिए पता लग पाया कि पृथ्वी और चांद के बीच की दूरी 376,275 किलोमीटर है और इस तरह से हमें एक सटीक आंकड़ा प्राप्त हुआ। हालांकि इससे पहले भी खगोल शास्त्रियों के द्वारा की गई कैलकुलेशन के आधार पर पृथ्वी और चांद के बीच की दूरी का अनुमान लगाया गया था, लेकिन वे आंकड़ा इतना भी एक्यूरेट नहीं था। दोस्तों, हमसे करीब 40 प्रकाश वर्ष दूर एक बहुत ही बड़ा चट्टानी ग्रह मौजूद है जिसका नाम है 55 कैनकरी ई। इस ग्रह का रेडियस पृथ्वी से 2 गुना है और यह ग्रह पृथ्वी से 8 गुना ज़्यादा भारी है। लेकिन इस ग्रह की सबसे खास बात तो यह है कि इस ग्रह को लेकर येल यूनिवर्सिटी ने एक रिसर्च हुई थी जिसके बाद यह पता चला कि इस ग्रह की सतह ग्रेफाइट और हीरे से बनी हो सकती है। इसी कारण इस ग्रह को एक डायमंड प्लैनेट के रूप में भी जाना जाता है। दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि हमारी धरती का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट है जिसकी ऊंचाई तकरीबन 8,849 मीटर है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारी सौरमंडल का एक ऐसा भी ग्रह है जिस पर मौजूद है पहाड़ माउंट एवरेस्ट से भी 2.5 गुना ज़्यादा बड़ा है? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मंगल ग्रह की। और यहाँ पर मौजूद है ओलंपियस मॉन्स वोल्केनो की ऊंचाई तकरीबन 21 किलोमीटर है या फिर कहें तो 72,000 फीट है, जो कि इस सौरमंडल की सबसे ऊंची चोटी है। आज के समय में इस दुनिया में कई सारी ऑब्जर्वेटरी हैं जहाँ से एस्ट्रोनॉमर्स अंतरिक्ष को देखते हैं और उनकी पढ़ाई करते हैं। इस दौरान दुनिया में जब भी कोई ऑब्जर्वेटरी बनती है तो वो शहरों से बिल्कुल दूर बनती है क्योंकि शहरों के आसपास का आसमान बहुत ही ज़्यादा प्रदूषित होता है और साथ ही शहरों की प्रकाश के वजह से रात के समय में आसमान साफ नहीं दिख पाता। इसलिए ऑब्जर्वेटरी को किसी अलग थलग जगह पर बनाया जाता है जहां से आसमान को एकदम साफ देखा जा सके। दोस्तों, आपको तो यह पता ही होगा कि हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में तकरीबन 100 बिलियन तारे मौजूद हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं हमारी धरती पर मौजूद पेड़ों की संख्या पूरी गैलेक्सी के तारों की संख्या से भी ज़्यादा है? जी हाँ, हमारे धरती पर करीब 3 ट्रिलियन पेड़ मौजूद है जो 100 बिलियन तारों से कई ज़्यादा हैं। तो दोस्तों, यह थे अंतरिक्ष के कुछ रोचक और मज़ेदार फैक्ट्स। उम्मीद है आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। आप ऐसे ही वीडियो आगे भी देखना चाहते तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। तो दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।